फिजिक्स टॉक सीरीज में मैं सबका स्वागत करता हूं। और ये एक बहुत ही जनरल टॉक सीरीज हम लोगों ने रखी है, जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रिपरेशन करते समय, और स्पेशली आज जो है वो जैम, जेस्ट और TIFR के प्रिपरेशन के अराउंड हमारा डिस्कशन होगा। तो ये प्रिपरेशन करते समय हमें क्या स्ट्रेटजी, कैसा हार्ड वर्क, कैसा फोकस, इन सब चीजों की जरूरत होती है। तो कई बार हम टीचर्स आपस में ये सब चीजें डिस्कस करते हैं, लेकिन अगर हमारे साथ एक स्टूडेंट हो जो कि TIFR में सेलेक्टेड है और उसकी ऑल इंडिया रैंक 3 है, तो अगर उसके साथ भी हम मिलके इन चीजों पे थोड़ा और इनलाइटेड हों, तो आई थिंक वो काफी अच्छा आइडिया होगा। तो आज हमारे साथ ऋषभ विज हैं, और ये हमारे फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं, और इनका इस बार TIFR में ये सेलेक्ट हुए हैं। और मैं और लोगों का इंट्रोडक्शन करा दूं, हमारे साथ फिजिक्स के फाउंडर मेंबर विवेक सर हैं, और ये फिजिक्स में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं। और मेरा नाम आलोक है, और मैं फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स, थर्मोडाइनमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पढ़ाता हूँ। तो जो हमारा ये डिस्कशन होगा, ये बहुत ही रूट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत छोटे छोटे से इश्यूज होते हैं, उन चीजों के अराउंड मैं रखने की कोशिश करूंगा। और सबसे पहले मैं चाहूंगा कि ऋषभ, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, अपना बैकग्राउंड बताएं, अपनी पढ़ाई के बारे में, स्पेशली इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी सर, सर मैं अभी फिजिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ सर। फाइनल ईयर में हूँ, अभी मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे हैं। सो मैं एक ऐसा जनरली स्टूडेंट हूँ, ऐसा नहीं हूँ कि मैं बहुत ज्यादा होनहार स्टूडेंट था। मेरे 12th में 77% थे, तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाकू बच्चा हूँ था। तो अगर कोई भी थोड़ा सा डिसिप्लिन रहे, थोड़ा सीरियस रहे, तो किसी भी गोल को अचीव कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा ऐसा पढ़ाकू बच्चा कह सकते हैं आप। मैं भी सबकी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट ही हूँ। होम टाउन कहाँ है तुम्हारा? होम जी सर, होम टाउन टाउन सर मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ सर। दिल्ली के ही रहने वाले हो? जी ठीक सर। है। और आपका इंटरमीडिएट कहाँ से हुआ है? सर मेरा जीआरएम स्कूल से हुआ है सर, मेरे यही नागलोई में है सर। ओके, ठीक है। तो विवेक सर, मैं चाहूंगा आप आगे। तो ऋषभ, मैं तुम्हारी जो सक्सेस जर्नी रही है, मैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करूंगा। तो सबसे पहले ये बताओ कि तुमने ये कब डिसाइड किया कि मुझे TIFR, IIT जैम, जेस्ट और अदर MSc एंट्रेंस देना है, और फिर तुमने फिजिक्स में कौन सा बैच ज्वाइन किया? सर 12th के बाद पहले मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद जब मैंने इंजीनियरिंग का सिलेबस देखा तो जो सब्जेक्ट मुझे फैसिनेट करते थे, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स या थर्मोडायनेमिक्स, तो वो सब इंजीनियरिंग में उतने ज्यादा कोर में नहीं थे। तो मुझे लगा कि मुझे फिजिक्स ऑनर्स लेनी चाहिए। तो मैंने फिजिक्स ऑनर्स ली, तो मुझे लगा कि अगर मुझे अगर और इसी इसी फील्ड में और ज्यादा जानना है तो किसी अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा। तो अराउंड मैंने फर्स्ट ईयर में ही मुझे मैंने ये सोच लिया था कि मुझे इसके लिए प्रिपेयर करना होगा। तो गुड मुझे गुड। याद है मैं फर्स्ट ईयर में सर के पास आया था, मैं कोचिंग में आया था फर्स्ट ईयर में ही। तो सर ने मुझे कहा था कि बेटर रहेगा तुम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लो, हर सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, तो तुम्हें ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो फिर मैं सेकेंड ईयर में आया था, और मैंने सेकेंड ईयर में अगस्त का बैच ज्वाइन किया था। मुझे याद है, अच्छे से याद है, मैंने अगस्त का बैच ज्वाइन किया था तो तुमने तभी सर। काफी अर्ली ही प्लान कर लिया था, जी जी सर, तो ये काफी मुझे एडवांटेजियस होता है कि अगर आप पहले प्लान कर लेते हो तो। जी सर मुझे याद है मैंने पहली क्लास जो ली थी वो आलोक सर की क्लास थी सर। अच्छा, गुड गुड, वेरी गुड। ठीक ओके। तो है। थोड़ा ये एक थोड़ा सा मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ऋषभ ये बताना कि जैसे स्टूडेंट तुरंत आता है कोचिंग में, तो कई बार शुरू शुरू में ही थोड़ा जज करने में दिक्कत होती है कि मेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तो इसके बारे में बताओ कि जो तुम फिजिक्स में आए तो किस टाइप का तुम्हें कंफर्ट मिला या फिर क्या दिक्कतें हुई? सर जब मैंने पहली क्लास ली, जो स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स की पहली क्लास ली, तो जाहिर सी बात है कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एनवायरमेंट है, तो थोड़ा सा लेवल उनका ज्यादा होता है। हाँ। लेकिन जैसे जैसे एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास लेते तो हम कंफर्टेबल होने लग जाते हैं। तो मेरे जो तो काफी मतलब आपका फ्रेंड्स हाँ शुरू सजेशन ये में रहे? यस सर, विवेक एक सर। शुरू में थोड़ा सा एक वीक होता है, क्योंकि बच्चे नए इन्वायरमेंट से आते हैं और कोचिंग का इन्वायरमेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो जी जी उसमें सर, एक वीक लगता है। हमें भी ऐसा लगता है। जी जी सर, ऐसा कई बच्चे समझते हैं कि
बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारी की सारी बातें जैसे एक ही लेवल से उठाई जा सके. बिल्कुल बिल्कुल. तो एक या दो हफ्ते लगते हैं उस एनवायरमेंट में कंफर्टेबल होने के लिए सर. लेकिन उसके बाद मजा आने लगता है सर. लेक्चर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थे सर, मुझे याद है मैंने बहुत एंजॉय किया लेक्चर सर. ठीक है ठीक. तो मतलब आपका ये सजेशन रहेगा कि जब बच्चा कोचिंग में आए तो कुछ थोड़ा टाइम स्पेंड करे ताकि वो सिचुएशन में एडजस्ट हो जाए. एक बच्चे होता ना कि इस बार के डेमो का माहौल है, तीन दिन कर लिया, अरे नहीं समझ में आ रहा, ये आ रहा, इससे बाहर निकलना चाहिए स्टूडेंट्स को, थोड़ा टाइम देना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली सर. है ना, थोड़ी सी कमी मुझे जहां मैं देखता हूँ, मेरे कमी दरअसल मोस्टली कमी जो होती है वो स्टूडेंट्स में ही होती है, वो एफर्ट नहीं लगाते उतना. थोड़ा सा अगर कोई सच्ची समझ नहीं आ रही तो बेसिक हमारे कमजोर है, ये समझना पड़ेगा. क्विट कर लेते हैं या दूसरे की बातों में आ जाते हैं, अपना खुद का टाइम नहीं देते हैं. वो हार्श रियलिटी थोड़ी सी एक्सेप्ट करने में शायद कभी कभी मुझे भी दुख हुआ कि हाँ ये चीज मुझे नहीं आती, लेकिन वो एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो एक हफ्ता देना ही पड़ता है सर बेसिक समझने के लिए. ठीक है. तो ऋषभ ये बताओ, जब तुम बीएससी के साथ साथ अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे, तो दोनों में बैलेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई, या फिर तुम जो एक्सपीरियंस रहा वो शेयर करो. सर थोड़ा सा तो ऐसा था कि थोड़ा सा बर्डन कभी कभी ज्यादा हो जाता था, लेकिन मैंने एक फिक्स शेड्यूल बना रखा था सर. एक टाइम टेबल बहुत जरूरी होता है, तो मैंने डेज डिसाइड कर रखे थे कि इस तीन या चार दिन में मुझे कॉलेज का पढ़ना है, और बाकी जैसे सैटरडे संडे बचेंगे या फिर मैंने एक वीक डिसाइड कर लिया, उसमें कम से कम मुझे अराउंड 6 to 7 hours निकालने अपने कोचिंग के लिए, अगर मैं सीरियसली चाहता हूँ अपने एम को अचीव करना. तो एक कंटिन्यूटी जरूरी है, तो मैंने एक टाइम टेबल बना रखा था तो उसको मैं फॉलो करता था सर. ओके, एक स्ट्रेटजी के साथ तुमने अपनी दोनों को बैलेंस किया. जी सर, एक स्ट्रेटजी थी मेरी डायरी थी, मैंने उसके अंदर टाइम टेबल बना रखे थे सर. वेरी गुड वेरी गुड. स्ट्रेटजी बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप एग्जीक्यूट कर पाओ. जी सर, और ये भी सर मैंने कोचिंग से ही सीखा सर. गुड. मुझे याद है काफी सारी चीजें थी जो असल में काफी ऐसी छोटी छोटी बातें थी जो काफी सारे टीचर्स ने कही, हम उसको इग्नोर कर देते, लेकिन मैंने उसको उठाने की कोशिश की, तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही. गुड वेरी गुड. तो जो फिजिक्स की क्लासरूम टीचिंग थी और फैकल्टी के साथ जो तुम्हारा ओवरऑल इंटरेक्शन रहा, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा? सर वो इंटरेक्शन वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा. हर टीचर की अपनी गाइड थी जिन्होंने स्कैटर नहीं होने दिया, ये बहुत ज्यादा जरूरी था कि एक टाइम तक हमें लगता है कि हम ये भी कर ले वो भी कर ले, लेकिन इस सबसे हमें कभी कभी ऐसा होता है कि रुकना पड़ता है, थोड़े से एक क्राइटेरिया के अंदर रहना पड़ता है. तो वो स्कैटर होने से बचाया. फिर जब हम वो लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो हमें खुद समझ आ जाता है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए और कितना नहीं पढ़ना चाहिए. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज थी, ये जो मुझे चीज समझाई. मुझे अभी भी याद है क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में जो अतुल सर ने मुझे कई बार गाइड किया था, कभी कभी उनकी बातें ऐसा लगता था कि मुझे डांट रहे, लेकिन फिर मुझे बाद में समझ आया कि ये जरूरी थी मेरे लिए चीज. ऐसे ही विवेक सर की बातें जो मुझे याद है कि अराउंड कुछ महीने रह गए थे तो उन्होंने मुझे गाइड किया था कि पूरे सिलेबस को समराइज करो तीन या चार पेजेस में. तो मैंने शॉर्ट नोट्स बनाने शुरू किए एक एक करके, फिर मैंने सारे सब्जेक्ट्स को समराइज कर दिया. तो मतलब हर तो जितनी भी फैकल्टी ने जो भी तुम्हें गाइड किया तुमने उसको फॉलो किया. जी सर जी सर. तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा सर मेरे लिए. वेरी गुड. तो फिजिक्स में हम लोग एक मेथोडोलॉजी बेस्ड टीचिंग करते हैं, जैसा तुमने देखा होगा कि हमने असाइनमेंट आपको दिया, क्लास टेस्ट रेगुलरली लेते हैं, आपके डाउट सेशन और टेस्ट सीरीज कंडक्ट करते हैं, तो जो ओवरऑल मेथोडोलॉजी थी वो तुम्हारे लिए कितना हेल्प किया? सर ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल थी. दरअसल ऐसा होता है कि हम कभी कभी अच्छा परफॉर्म करने लग जाते हैं फिर ढील में आ जाते हैं, तो ये इससे हुआ ये कि वो उसने फ्री नहीं होने दिया मुझे, मतलब मेरे काफी सभी बच्चों को सभी स्टूडेंट्स को. तो हमें रेगुलरली अपने आप को जज करने का एक मौका मिलता रहा. कभी कभी ऐसा भी होता था दो टेस्ट अच्छा करने के बाद हम फ्री हो जाते थे, तो तीसरे टेस्ट में हमें याद आ जाता था नहीं हमें तो प्रिपेयर करना है, हमें फ्री नहीं होना क्योंकि ये टेस्ट शायद मायने रखे ना रखे वो फाइनल टेस्ट मायने रखता है. तो ये एक डिसिप्लिन में रखा इन सब चीजों ने हमें, तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल था सर मुझे ऐसा लगता है. और टीचर्स के साथ जो डाउट्स वगैरह तुम्हारे जो आते रहे होंगे छोटे बड़े, उनका उनको मतलब किस लेवल पे तुम्हें लगता है कि वो क्लियर हो गए वहां पे या फिर उसमें दिक्कत आई? ये भी बहुत ज्यादा जरूरी था क्योंकि सर क्वेश्चंस करके जैम जैसे मुझे मैंने जो एग्जाम दिया उसके बाद मुझे लगा या इंटरव्यू दिया कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद जैम जैसे एग्जाम्स किए जा सकते हैं क्लियर, जस्ट जैसे एग्जाम क्लियर किए जा सकते हैं, लेकिन इंटरव्यू के लिए डाउट डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी है. मुझे याद है मैं अतुल सर से आता था, आप आलोक सर के पास आता था डाउट डिस्कस करने के लिए थ्योरी के डेरिवेशंस के, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे मेरे इंटरव्यू के लिए. तो ये डाउट डिस्कशन की जो क्लासेस होती थी एक्स्ट्रा क्लासेस होती थी वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही इंटरव्यूज के लिए, तो ये बल्कि बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, तो ये काफी हेल्पफुल रही सर मेरे लिए. ओके जी सर.
एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं पूछना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे किसी स्टूडेंट के सामने जब वो आता है और एक बार प्रिपरेशन शुरू करता है तो उसको बहुत सारे एग्जाम्स का पता चल जाता है, जैम है, जेस्ट है, TIFR है, JNU है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं जैसे कि BHU है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देर आर सो मैनी। सो क्या एग्जाम की स्ट्रेटेजी एक जनरल आपने रखी या फिर किसी पर्टिकुलर एग्जाम के लिए फोकस भी किया, इस पे थोड़ा सा बताइए। सर, जब मैंने इनिशियलाइज किया, ये भी मैंने जब इनिशियलाइज किया तब तब मैंने शायद ये ना सोचा कि मुझे किन से इंस्टीट्यूट में जाना है। मेरा पहला टारगेट ये था कि जो टीचर्स करा रहे हैं मुझे मुझे वो अच्छे से आना चाहिए, मुझे हर कंसेप्ट समझ आना चाहिए। पहले फिजिक्स सीखना है थोड़ा ये। एग्जैक्टली सर, पहले फिजिक्स के कंसेप्ट को समझना है, फिजिक्स हाँ देखनी है। तो हाँ पहले मैंने जो टीचर्स करा रहे थे उस सबको समझा, फिर हाँ धीरे धीरे जब टेस्ट में अच्छे नंबर आने लगे फिर मुझे लगा कि शायद हाँ ये एग्जाम भी मैं कर सकता हूँ। जब टीचर्स ने थोड़ा बिलीव दिखाया मेरे ऊपर कि नहीं तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो हर बिल्कुल एनालिसिस बिल्कुल के बाद में, तो मुझे लगा कि तो मेरा 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 मेरी ये राय है कि अभी पहला एम किसी इंस्टीट्यूट को नहीं रखना चाहिए। पहला ये है कि जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं उनमें अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, जो बिल्कुल डेली बिल्कुल। डेली टॉपिक हो रहे हैं उनको अच्छे से कवर करना है। तो शॉर्ट टर्म टॉपिक मतलब माइक्रो माइक्रो मैनेजमेंट पहले करना है, उसके बाद वो जी, अपने आप दैट इज फिर वेरी धीरे धीरे। इंपॉर्टेंट। हाँ हाँ जी सर, तो छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करने, पहले क्लास टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आने हैं, हाँ तो उसके बाद वो बड़ा एम अपने आप अचीव हो जाएगा। तो बिल्कुल। अब ऐसे कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं, विवेक सर भी बताएंगे इस बारे में, कि जैसे पहले दिन आए सर TIFR कैसे होगा, तो मतलब वो हमें थोड़ा सा उस टाइम हम आंसर उसको बताना चाहते हैं ये कि देखो अभी तुम धीरे धीरे जो फिजिक्स के टेस्ट हो रहे हैं उनको मैनेज करना शुरू करो, इंस्टीट्यूट लेवल पे जो हम टेस्ट ले रहे हैं उनको मैनेज करो, फिर वो आगे का रास्ता तुम्हारा अपने आप बनता जाएगा। और एक प्रॉब्लम मैंने भी जैसे देखा है बच्चों में कि जब एक लेवल की अच्छी प्रिपरेशन हो जाती है तो फिर बच्चे फिर इधर उधर डेविएट होने लगते हैं, कुछ डिफरेंट टॉपिक्स जो नहीं पढ़ा हुआ है उसमें भी लग जाते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि भाई जो पढ़ा हुआ है आप उसी पे फोकस करो, उसी से आपका एग्जाम हो जाएगा, जी सर, और ट्रैक ट्रैक पे रहते हैं उसे। क्योंकि जी सर, ये भी मुझे तो सुगम सर डेविएट ना ने, होना बहुत बड़ी बात है, आप लास्ट में अगर डेविएट हो गए तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। जी सर, ये सर मुझे भी याद है, मुझे सर ने, अतुल सर ने शायद समझाई थी बात कि हर चीज का एक टाइम होता है। जब वो टॉपिक्स तो समझने का तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम्हें तुम्हें वो सब तब पढ़ने को मिलेगा। अभी जो तुम्हारा सिलेबस है अभी फिलहाल उस पर ध्यान दो। तो एग्जैक्टली एक बिलीफ सिस्टम भी होना चाहिए, जहां भी आप पढ़ रहे हो उस पर एक बिलीफ सिस्टम होता है तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलता जी सर, एक बिलीफ सबसे ज्यादा जरूरी है, वरना है। क्योंकि मतलब तभी आप इंस्टीट्यूट का रैंक एक मान पाएंगे। एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे आपको गाइड कर रहा है तो उसका आप बेनिफिट ले सकते हैं। एग्जैक्टली सर, वो छोटी से छोटी बात जो मुझे टीचर्स ने बताई, मुझे लगा वो उनका 10 साल या उससे भी ज्यादा का वो तजुर्बा है, बिल्कुल निचोड़ है वो सब उनका, तो मैंने बिलीव किया शायद वो, तभी उसका फायदा मुझे मिला है। गुड। तो ऋषभ, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी स्टूडेंट एक प्रिपरेशन करता है और जब एक लेवल की प्रिपरेशन हो जाती है थोड़े टाइम के बाद, कई बार स्टूडेंट भी डीमोटिवेटेड फील करता है, कई बार एंजाइटी होती है, या कई बार लगता है कि पता नहीं मेरा होगा नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशन क्या तुम्हारे साथ आई, और आई तो फिर उससे बाहर निकलने के लिए तुमने क्या किया? सर, ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ भी, होता था कभी कभी, क्योंकि असल में जो मोटिवेशन होते हैं वो हमारे छोटे छोटे अचीवमेंट से हमारे मोटिवेशन होते हैं। कुछ टेस्ट में मेरे भी कम नंबर थे तो मेरा मोटिवेशन ये था, मेरा मोटिवेशन ये था कि मैंने सोचा कि अगले टेस्ट में मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा, और जब अच्छे राइट मार्क्स आए तो वही मेरे लिए मोटिवेशन बना। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट सी मोटिवेशन बनती है। तो आपको मेरे हिसाब से हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि मेरा जो टारगेट है एक वो अगला छोटा क्लास टेस्ट। टारगेट अचीव करते जाओ। एग्जैक्टली सर, वो जो मेरा टारगेट है वो अगला क्लास टेस्ट मेरा टारगेट है, बिल्कुल अगर उसमें वो बिल्कुल। अच्छे मार्क्स अचीव करता है ये तो वो बहुत ही अच्छी इमीडिएटली जो स्टैंडिंग है ये। इमीडिएटली बिल्कुल सामने है आपके। जी बिल्कुल, एक एक जी जी स्टेप चलो तो उससे फ्रस्ट्रेशन भी नहीं होता और आप अपने गोल तक धीरे धीरे पहुंच भी जी जाते हो। वो छोटी छोटी अचीवमेंट ही मोटिवेशन बन जाती है सर। वेरी गुड। एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है ऋषभ कि इस प्रिपरेशन के टाइम पे देखो बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, और जैसे हमारा फिजिक्स का जो स्टाफ है वो भी एक फैमिली जैसा है, तो उसका किस टाइप से आपको हेल्प मिला? मेहनत तो हर कोई करता है, हार्डवर्क हर कोई कर रहा है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस जो होता है, वो सपोर्ट जो होता है, वो भी काफी जरूरी होता है, किसी का विश्वास होता है। तो मुझे ऐसा लगा कि हर टीचर का मेरे ऊपर विश्वास था, मेरी फैमिली ने मुझ पर बिलीव किया। मेरे मेरे बैकग्राउंड में मेरे मार्क्स शायद उतने ज्यादा बेहतर ना हो, लेकिन फिर भी मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, एंड बाय द टीचर्स ने वे मेरे। प्लीज कन्वे द कॉन्ग्रेचुलेशन टू योर पेरेंट्स ऑल्सो फ्रॉम फ्रॉम आवर फिजिक्स फैमिली। हाँ जी 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 सर, तो ये सबका जो विश्वास था ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता कि हर बार आपके मार्क्स अच्छे आए,
हर बार क्लास टेस्ट में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन एक टीचर का बिलीफ होता है कि नहीं तुम अच्छा कर सकते हो, हमने तुम में वो चीज अब्सॉर्ब की है। तो ये जो मुझे दिखा, मेरे टीचर्स में दिखा, मुझे मेरे फिजिक्स इंस्टीट्यूट के टीचर्स में दिखा, तो ये काफी हेल्पफुल था, क्योंकि मार्क्स जरूरी नहीं कि हर टेस्ट में आपके मार्क्स हर टेस्ट में आप टॉप 5 में हो, टॉप 10 में हो, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास रखना पड़ता है कि नहीं मैं अचीव कर सकता हूँ। आपको ये बिलीफ ही काम आता है, फ्रेंड्स का सारा सपोर्ट मिला अच्छे से, गुड। जी जी सर, मेरे क्योंकि इसमें सबका एक योगदान होता है जिससे कि आप एक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचते हो। जी सर, मेरा ग्रुप छोटा सा ही है, लेकिन फ्रेंड्स का ग्रुप मेरे 4 या 5 ही दोस्त थे जो मुझसे मिलते रहे, लेकिन उन सबका विश्वास था मेरे ऊपर, तो मुझे लगा वो सबकी उस प्रेशर से निकलने में मदद करता है। वेरी गुड, ओके, सो थैंक यू ऋषभ फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द टॉक, एंड यू हैव गिवन वैल्यूएबल सजेशंस टू अवर फ्यूचर एस्पिरेंट्स एंड दे विल श्योरली बेनिफिट फ्रॉम इट, सो थैंक्स अ लॉट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर, आपके लिए आप सबसे ज्यादा थैंक यू सर, आपका ही है, आपकी वजह से ही मैं पहुंचा हूं सर यहां तक। नहीं, पूरी टीम एफर्ट है, सबका एफर्ट है, थैंक यू, कांग्रेचुलेशंस सर, थैंक यू आलोक फॉर कोऑर्डिनेटिंग द टॉक एंड इट वाज नाइस कन्वर्सेशन अमंग अस। यस, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो आई वुड लाइक टू थैंक अवर होल फिजिक्स टीम, आवर फैकल्टी मेंबर्स। मैं कहने ही वाला था सर ये कि मैं सभी टीचर से मिल नहीं पाया पर्सनली, मैं सभी का थैंक्स करना चाहता था क्योंकि उन सभी की जो मतलब राय थी, सजेशंस थे, उसी की वजह से मैं आज तक पहुंचा। वी विल कन्वे देम, थैंक यू सर, ओके, थैंक यू, ठीक है। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू थैंक अवर फिजिक्स टीम, अवर फैकल्टी मेंबर्स, मैनेजमेंट टीम, अवर स्टाफ हु आर द बैकबोन ऑफ ईच एंड एवरी इवेंट एट फिजिक्स, सो अ बिग थैंक्स टू फिजिक्स टीम्स। एंड इन द एंड आई वुड लाइक टू अश्योर अवर फ्यूचर एस्पिरेंट्स that physics is always there to help you, guide you and motivate you so that you can realize your dream. So thank you everyone, thanks for watching, keep yourself motivated. Okay sir.